पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक ऐसे साइबर गैंग का खुलासा किया है जो सेलिब्रिटीज के डिटेल इस्तेमाल कर बैंक या क्रेडिट कार्ड से लोन लेते थे। इस फर्जीवाड़े के लिए ये जालसाज सेलिब्रिटीज के GST नंबर के जरिए पर्सनल दस्तावेजों की डिटेल्स हासिल करते थे। ये साइबर गैंग अब तक 50 लाख रुपए का चूना लगा चुका है। इस जालसाज गैंग ने फिल्मी हस्ती और क्रिकेटरों समेत 100 लोगों को अपना निशाना बनाया है। शाहदरा जिले के साइबर थाना पुलिस ने एक पीड़ित की शिकायत के बाद इस साइबर गैंग का पता लगाया तो वो भी हैरान रह गए। पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के नाम का इस्तेमाल करते थे, जिनमें सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, ऋतिक रोशन, सैफ अली खान, अभिषेक बच्चन, अनुष्का शर्मा, सोनम कपूर, सुष्मिता सेन, हिमेश रेशमिया समेत 53 से ज्यादा हस्तियां शामिल हैं। DCP रोहित मीणा ने TV9 दिल्ली NCR से एक्सक्लूसिव बात करते हुए बताया कि रोहित जी, एक गैंग का भंडाफोड़ किया है, क्या है इनका मॉडस ऑपरेंडी था, किस तरह से वारदातों को अंजाम देते थे? ये बेसिकली सेलिब्रिटीज की पैन कार्ड डिटेल निकाल लेते थे थ्रू GSTIN नंबर, जो कई जगह मतलब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल था। उस पैन कार्ड डिटेल निकाल के फिर डेट ऑफ बर्थ और जो आप बाकी जो डिटेल्स हैं सेलिब्रिटीज की वो निकाल के उनके पैन कार्ड का नंबर यूज़ करके लोन अप्लाई करते थे। साथ ही साथ वो आधार कार्ड भी फॉर्ज कर लेते थे विद रेस्पेक्ट टू सेलिब्रिटीज़, और उसमें डेटा सारा ओरिजिनल उन्हीं का होता था सेलिब्रिटीज़ का। इसके थ्रू वो लोन अप्लाई करके लोन ले लेते थे। इसमें बैंकिंग की जो एक डिजिटल प्रोसेस है KYC नॉर्म्स की, जो उसको वो बाईपास कर लेते थे, और जो वीडियो KYC है उसको भी वो जो फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे दिखा के बाईपास कर लेते थे। बैंक को कभी शक नहीं हुआ इनके ऊपर, क्योंकि जिस तरह से लोन अप्लाई करते थे तो बैंक वेरीफाई भी करता है चीज़ों को लेकर, कभी शक नहीं हुआ? इसमें बैंकिंग में कई सारे ऑटोमेटेड प्रोसेसेस होते हैं कि क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में लोन डिस्पर्सल पे वो अपनी प्रोसेसेस को काफ़ी ऑटोमेट कर रखा है, तो वो प्रोसेसेस को ये ऑटोमेट करना सीख, उनको बाईपास करना सीख गए थे। जब बैंक को जब वो लोन की रिकवरी नहीं हुई तब उनके नॉलेज में आया, तब उन्होंने इसमें इन्वेस्टिगेट की, तब उन्होंने कंप्लेन लॉन्च करी। कौन कौन सेलिब्रिटीज़ के नाम पर ये लोग अभी तक ठगी कर सकते हैं? हमारे पास अभिषेक बच्चन, महेंद्र सिंह धोनी और कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके नाम आए हैं जो कि फिल्म स्टार्स के, जिनके ये 93 लोग के इन्होंने अप्लाई किए थे और जिनके दिल्ली पुलिस का कहना है कि ऐसे जालसाजों से बचना है तो बैंकिंग संस्थानों को KYC वेरिफिकेशन जैसे कामों में बदलाव करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 दिल्ली NCR।